अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी डाली है नारियल की, उसमें मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसमें मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये 3 कप है, पीसने के बाद ये 3 कप है। ये फ्रेश नारियल था, उसे मैंने छील लिया है। छीलने के बाद छोटे टुकड़े करके इसे मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है, बगैर पानी डाले और बगैर दूध डाले। गैस को ऑन करते हैं। इसके अंदर डाल देंगे 1 कप दूध, 1/2 कप इसके अंदर डालेंगे दूध की मलाई। तो ये इसको मैंने मिक्स कर लिया है। आप दूध की मलाई की जगह पे अमूल फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हमने मिक्स कर दिया। साथ में ही हम डाल देंगे शुगर। तो 3 कप ये नारियल है, उसका 1/2 हम शुगर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप शुगर डाल रही हूँ। शुगर को मिक्स करेंगे, इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। अभी गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम है। हमको चलाते ही रहना है ताकि नीचे जले नहीं। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और पकते हुए 5 मिनट हो गया है तकरीबन। हमको इसी तरह चलाते हुए पकाना है। गैस का फ्लेम अभी भी मीडियम ही है। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रोज़ वाटर। आप चाहें तो इसकी जगह पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो ये अब पैन छोड़ने लगा है। मैंने इसे पूरे टाइम मीडियम फ्लेम पे ही बनाया है चलाते हुए। अब हम गैस का चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। मैंने लिया है ट्रे, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे बराबर फैला देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे काट कर ड्राई चेरी डाल दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। इसे थोड़ा इस स्पैचुला से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। इस तरह से बस। अब इसे हम फ्रीज में रख देते हैं अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे। ये अच्छे से सेट हो गया। अभी अब इसके हम पीस काट लेंगे। तो ये बहुत ही यम्मी बनी है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ।